नमस्कार साथियों, सीबी बिकलाइट गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे ये है कि अगर आप एक गलती कर देंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। फैसला आपके ऊपर रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, और छोटा सा रिक्वेस्ट जो है वो क्या है। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि अगर आपका नाम किसी भी कॉलेज में नहीं आया है या किसी भी ट्रेड में नाम नहीं आया है तो आप एक काम करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी ट्रेड मिल जाएगा उसी से आईटीआई कर लेते हैं, बाद में भविष्य में जॉब नहीं मिलती है तो वही लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, फोन करते हैं कि सर मैंने इस ट्रेड से आईटीआई कर लिया है और कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कोई जॉब बता दीजिए। तो सवाल दोस्तों ये होता है कि अगर आप अच्छे ट्रेड से करेंगे तो आपको जॉब कहीं कहीं मिल जाएगी, गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो प्राइवेट में कहीं कहीं मिल जाएगा, और आप जो है 15,000 से 20,000 रुपए 25,000 तक बहुत सारे कंपनियां देती हैं, वहां भी आराम से जो है आप जॉब पा सकते हैं। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि जब आप गलत ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि जॉब नहीं मिलता है, और फिर लोग वही अलग अलग चैनल पे, अलग जगह पे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज पे लोग कमेंट करते हैं कि जो है सर बता दीजिए कि जो है कोई जॉब मिल जाए, इस ट्रेड से मैंने आईटीआई कर रखी है। तो दोस्तों आज किस वीडियो को ये बताने वाले हैं कि अगर जो आप आईटीआई कर रहे हैं आपका एडमिशन ना तो फर्स्ट में हुआ ना तो सेकंड में हुआ है, और ना ही अगर मान लीजिए थर्ड में होता है तो आप क्या करते हैं। बहुत सारे से लोग किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों बस इतना है, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो किसी ऐसे ट्रेड से करिए जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी आने वाले दिनों में जो है जॉब की संभावनाएं हैं। जो टाटा ने नए नए अपने ट्रेड लॉन्च किए हैं उसका आने वाले दिनों में उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, स्कोप है, उसी के अकॉर्डिंग टाटा ने अपने नए ट्रेड लॉन्च किए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप अच्छे ट्रेड से आईटीआई करेंगे तो आपका कहीं कहीं जॉब लग जाएगा, और अगर आप जो है गलत ट्रेड से आईटीआई कर लेंगे तो जिंदगी भर पछताएंगे, जॉब नहीं लग पाएगी। आपका उद्देश्य ये कि रेलवे में जॉब लग जाए, मेट्रो में कहीं जॉब लग जाए, या फिर जो है एनटीपीसी में, भेल में, एचएल में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, सिंचाई विभाग में, या कहीं और जो है आपकी जॉब लग जाए, लेकिन जब जॉब नहीं लगेगी तो फिर बाद में आप बहुत पछताएंगे। इसीलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों यही है कि आप अगर आईटीआई कर रहे हैं तो किसी अच्छे ट्रेड से करिए जिसकी डिमांड है आज के डेट में या फिर आने वाले डेट में। दोस्तों इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है रोजगार है वहां, आईटीआई है जहां। तो इसका मतलब ये है कि रोजगार आपको जहां मिलेगा जहां आईटीआई होगी, यानी आईटीआई का स्कोप आने वाले दिनों में और धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आईटीआई के प्रशिक्षण के लाभ क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लूं ताकि आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे। यहाँ पे देखिए लिखा है आईटीआई में प्रशिक्षण के लाभ। तो आईटी में प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं इसके बारे में यहाँ पे देखिए लिखा है, जैसे रेलवे में आप जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, पीडब्ल्यूडी में, सिंचाई विभाग में, व्यवसायिक शिक्षा विभाग में जा सकते हैं, प्राविधिक शिक्षा विभाग में जा सकते हैं, और बहुत सारे रोजगार के अवसर जो है यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। तो ये तो बात होगी गवर्नमेंट में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में डुअल सिस्टम ट्रेनिंग जिसे डीएसटी कहा जाता है, और उसमें ओजीटी यानी जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग के अनुसार जो है आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ अर्ध सरकारी जो कंपनियां हैं जैसे कि भेल हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, जो है डिफेंस फैक्ट्री हो गया, एचएमटी हो गया, एचएल, सेल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, यहां पे भी रोजगार मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए बहुत सारी जो है प्राइवेट कंपनियां यहां पे दिया गया है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, हुंडई है, स्कॉट्स है, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, होंडा है, और इसके बाद एलएनटी, आईटीसी, महिंद्रा, महिंद्रा जिंदल कंपनी, और विप्रो है, इन्फोसिस है, वीडियोकॉन है, सैमसंग है, बहुत सारी और मोबाइल कंपनियां हैं। तो दोस्तों ये जो है आईटीआई जो है यहाँ से जॉब के अवसर मिलते हैं, लेकिन जब आप अच्छे ट्रेड से करते हैं तब आपको जॉब मिलती है, अन्यथा जॉब नहीं मिल पाती है। अब दोस्तों आप इस थोड़ा चार्ट को देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन कौन से ट्रेड से जो है कौन कौन से रोजगार आपको मिलेंगे। जैसे देखिए वायरमैन का, पेंटर का है, 2 वर्षीय कोर्स दोनों जो है ये उत्तर में 8 ही पास है, सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ साथ
अतिरिक्त स्वरोजगार भी जो है आपको यहाँ से मिल सकता है। इसके बाद वेल्डर स्विमिंग टेक्नोलॉजी का है, इसमें भी एक वर्ष का कोर्स है, आठवीं पास योग्यता है, सरकारी और निजी क्षेत्र में यहाँ पे रोजगार मिलता है। इसके बाद कोपा का है यहाँ पे, तो कोपा भी एक साल का कोर्स है, दसवीं पास योग्यता है, सरकारी निजी क्षेत्र के साथ जो है अतिरिक्त स्वरोजगार भी इसमें मिलते हैं। इसके बाद फूड एंड प्रोडक्शन जनरल का है, ट्रेवल एंड टूर असिस्टेंट का है, एक वर्षीय कोर्स है, दसवीं पास योग्यता है, इसमें जॉब का जो अवसर है वो होटल और पर्यटन उद्योग में यहाँ पे जो है मिलते हैं। इसके बाद जो पॉपुलर जो ट्रेड है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ये दो वर्षीय कोर्स है, सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में, निजी में, और इसके साथ साथ स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड है। इसके बाद यहाँ पे है दूसरा नंबर इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है आपका है यहाँ पे टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एट्रोप्लेटर। ध्यान रखेंगे ये जो ऊपर ट्रेड है ये लगभग सभी सेम है, क्योंकि फिटर जो लेते हैं उसमें थोड़ा टर्नर का भी सिलेबस है, मशीनिस्ट का भी सिलेबस है, और ग्राइंडर का भी सिलेबस है। ऐसी दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रोप्लेटर का यहाँ भी लगभग सेम होते हैं, सिलेबस लगभग सेम होते हैं। तो बहुत सारे लोग जिद करते हैं कि मुझे इलेक्ट्रीशियन ही चाहिए, तो अगर आपको इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है या फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिल जाता है तब भी आप उसे कर लीजिए, आपका लगभग सिलेबस सेम होता है, ठीक है, और आपको जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दो वर्षीय कोर्स है, दसवीं पास योग्यता है, सरकारी निजी के साथ स्वरोजगार भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं, आप इन ट्रेड को देख सकते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जैसे बहुत सारे लोग ट्रैक्टर मैकेनिक से कर लेते हैं और बहुत सारे ट्रेड हैं उससे कर लेते हैं, फिर जॉब नहीं लगती है, फिर वही लोग कहते हैं कि सर जो है मैंने इस ट्रेड से आईटीआई किया है, मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है, कोई जॉब बता दिए। दोस्तों समस्या यही होती है कि आप गलत ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप जो है करना चाहते हैं तो देखिए, अगर गवर्नमेंट में आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट से कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा पैसा प्राइवेट में ज़्यादा लगता है, लेकिन ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 2500 से लेकर जो है 3000 मिलती है, ठीक है, लेकिन पर प्राइवेट में अगर आप कर लेते हैं तो प्राइवेट में जो है आपको 10000 से लेकर 15000 तक जो है आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे प्राइवेट में मिल जाता है, और लगभग 15000 के आसपास जो है आपकी फीस लगती है। तो आप जितना लगाएंगे लगभग उतना आपका मिल भी जाता है स्कॉलरशिप। एससी एसटी का, ओबीसी का, जनरल का, सबका स्कॉलरशिप आता है, ऐसा नहीं किसी का नहीं आता है। आप पहले अप्लाई करेंगे तो आपका चांस ज़्यादा रहेगा, आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, लेकिन बहुत लोग लेट में भरते हैं फॉर्म, स्कॉलरशिप नहीं आ पाता, फिर दिक्कत हो जाती है, वही लोग कहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया। तो अगर आप दोस्तों सच्चा मैं तो प्राइवेट से कर लीजिए, मैं किसी भी प्राइवेट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने नज़दीकी कॉलेज में जाइए, जो प्राइवेट अच्छे कॉलेज हो, जहाँ पे वर्कशॉप की सुविधा अच्छी हो, वहाँ पे क्लासेस अच्छे चलते हों, और इसके बाद जो वहाँ पे प्लेसमेंट की सुविधा अच्छी होती हो, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, आपको वहाँ पे फ़ायदा जरूर मिलेगा। आप अच्छे ट्रेड से करिए ताकि जो भविष्य में आपका जॉब लग जाए और आपका साल बर्बाद ना हो, यही दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, साल बर्बाद कर रहे हैं, तो अच्छे से आप जो है उसका उपयोग करिए, आप अच्छे ट्रेड से करिए ताकि कहीं आपका जॉब लग जाए और आपकी जो गरीबी है वो थोड़ा सा दूर हो सके। चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।